हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे? आई होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको आज के लिए ट्रेड्स दी थी उन्होंने आज कैसे परफॉर्म किया। द फर्स्ट ट्रेड आई गेव यू वाज रिलायंस। टुडे रिलायंस बाउंस ऑफ द फ्लोर इन अ सॉलिड फैशन इन द प्रोसेस क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल बुलिश एनगल्फिंग बार अचीविंग द टेक प्रॉफिट एंड गोइंग फर्दर अप। नेक्स्ट ट्रेड मैंने आपको रिलायंस की ऑप्शन की दी थी, इसके अंदर भी आपने आज अच्छे पैसे बनाए होंगे। थर्ड ट्रेड मैंने आपको आईटीसी की दी थी, इसका बाय मैंने आपको दिया था 203.4 पे, इसका आज का हाई है 206.9, इसने भी ऑलमोस्ट अपना टेक प्रॉफिट आज अचीव कर लिया है। लास्ट ट्रेड मैंने आपको दी थी ब्रिटानिया, इसका बाय मैंने आपको दिया था 3618 पे, इसका आज एसएल हिट हो गया 3587। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें पॉसिबल ट्रेड आ सकती है। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है ये ब्रिटानिया का आवरली चार्ट है, जिसमें सपोर्ट है इसकी 3556 पे, उसकी रेजिस्टेंस है 3684 पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं अप ट्रेंड यहाँ पे शुरू हो गया है। जब यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हुआ था, यहाँ पे एक पुल बैक आया, फिर प्राइस दोबारा ऊपर गया, फिर यहाँ पे पुल बैक आया है। तो कल हम इस ट्रेड के अंदर तब एंटर करेंगे जब प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू होगा। एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि वॉल्यूम के इंडिकेटर में वॉल्यूम भी आ जाए, अगर वॉल्यूम साथ आ जाए तो एक डबल कॉन्फर्मेशन हो जाती है, एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाती है। तो ब्रिटानिया के अंदर कल जो हमारा बाइंग प्राइस होगा वो होगा 3645, जब प्राइस इस कैंडल के ऊपर आ जाएगा हमारा टेक प्रॉफिट होगा 3670 और जिसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3584 इस स्विंग लो के नीचे। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है, ये देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है मन्नापुरम का आवरली चार्ट है, जिसके अंदर इसकी सपोर्ट है 173 पे और उसकी रेजिस्टेंस है 178 पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया था, यहाँ पे एक पुल बैक आया है और यहाँ पे अभी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो कल जब प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाना शुरू होगा तब हम मन्नापुरम को बाय करेंगे 174 पे, इसमें हमारा टेक प्रॉफिट होगा 178 और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा सपोर्ट के नीचे इस स्विंग लो के नीचे, वो होगा 169। इसमें एक और अच्छी चीज है कि प्राइस अभी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी है जो रेड लाइन है, और प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी जो ये ब्लू लाइन है। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई ट्रेड्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर फ्रेंड्स।